तो आइए अब मैं अपने बात को तोल न देते हुए आपके रूबरू ऐसी शख्सियात है, न जाने किसको पेश करे, लेकिन उन्हीं में से चंद शख्सियात हमें उनको सुनना है। तो सबसे पहली शख्सियत कि जो जहद व पारसाई, इल्म गहराई, फ़कीह नुक्तादान और हमारे जो है बड़े और हमारे मुरब्बी, मेरी मुराद इससे हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुस्सलाम साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुमुल आलिया शेखुल हदीस दारुल उलूम हुसैन अकोला हैं कि जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। ऐसे बुज़ुर्गों से मिलता है उनका शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो आइए मैं हज़रत से अदबन दरख्वास्त करूँगा कि सामईन को महसूस फरमाए और हम तमाम को आपके मुआइज हसना से मुस्तफ़ीद फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब दामत बरकातुहुम आलिया भाई, मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, पीछे बैठे बुज़ुर्ग लोग वो संजीदगी के साथ इल्मी लाइन की बातें करेंगे, मैं तो ऐसे ही हूँ, अपना इधर उधर की बात करता हूँ, बस खेत जंगल में काम कर रहा हूँ आदमी, लेकिन बैठा दिए बेचार बने से मकतब में पढ़ाता आदमी तो मकतब में पढ़ाते रहता है, उससे बाद में कितने बड़े बड़े मोहद्दी हसन फ़कीन क्या क्या निकलते, ऐसे बैठे हुए बुज़ुर्ग लोग पीछे आएंगे भी, तो थोड़ी देर मेरी भी सुन लो भाई, जो कुछ समझ में आ जाए। तो भाई बुज़ुर्ग दोस्तों देखो, कैसे बच्चों ने सारी बातें सुनाई, कोई साहबा की, कोई कैसे, कोई इमाम आज़म की, अरे बाप रे बाप, ये छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह ने कैसा माहौल तैयार किया। देखो खेती जो तैयार होती है बाग, खाली खुरपा का के मेरा ही कमाल है, मैंने बना दिया, क्या बनाएंगे, वो घास तो उकाड़ ले बाबा, उतनी चल के उतना कर दे, कहीं कुदाली ने काम करा तो कहीं कोपली ने काम करा है, तो कहीं और मजदूर ने काम करा, किसी ने वहाँ से कंकर हटाए, किसी ने खाद डाला, किसी ने खोदा वहाँ से और फिर पानी डाले, क्या कितने लोग अलग अलग, बैल भी बेचारे उसमें काम कर रहे, सब कर रहे, चाहे बैल ही सही लेकिन काम तो करे, सबकी मेहनत में फिर बागो बाहर होती है। तो अब देखो तो यहाँ कहीं जमीयतुल उलमा के बुजुर्ग लोग काम कर रहे, तो कोई दावत तबलीग के अपने एतबार से काम कर रहे, कोई खानका वाले बेचारे अल्लाह अल्लाह करके लोगों को उधर ला रहे, और कितने छुपे हुए रुस्तम है वो नहीं दिखाते अपने आप को, मुखलिस दबे हुए रहते, किनारे पर रहते, अपने खो में रहते, अपने कमरों, लेकिन अल्लाह से लोग लगाए हुए हैं और इस बाग के लिए पानी दे रहे हैं, वो भी जैसे दुआओं के जरिए भी बता, दुआ मुखली बात, हम जान नहीं सकते कितने कहाँ कहाँ कैसे पड़े हुए हैं, क्या क्या काम अंजाम दे रहे हैं, और मुख्तलिफ लाइन के हैं वो तो कारगुजारी, अभी हम शुरू से सुनकर आ रही, जो कितना कहता कैसे कैसे काम कर, कोई जेलों में है तो कोई कहाँ है, तो उनको भी तो परेशान हाल हो ना, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई कुछ है, तो हर एक ये चमन के पौधे वो फूल है जो लगे हुए है अपने अपने एतबार से काम करते हुए, तब ये सारा मंजर नज़र आ रहा है, किसी एक का ये नहीं है, सबकी इसके अंदर मेहनतें लगी हुई है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, अब अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा पसंदीदा है जिसके अंदर ज़्यादा अपने जो है तकवा परहेजगारी होंगी, इखलास होगा, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा है, चाहे वो बेचारा देहाती से ही लेकिन रो रहा, मांग रहा, अपने एतबार से कर रहा। मैं गया मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, तो अक्कल को वाले जो मानो गुलाम साहब, उनके जो है वो साले साहब, क्या उनका इदारा, अल्लाह अकबर, तो वो हमारे सामने कह रहे हैं जिनको भेज रहे चंदे के लिए, देखो भला तुम बड़ों की तरफ देखोगे नहीं, वो जो 10 रुपये 20 रुपये देना, हाँ तो हमारे लिए वो बहुत आला दर्जे की चीज़ है कि बड़े कसरत से मेहनत से बेचारा कर रहा उतनी दे रहा, वो इसको तावन तो तुम इसको मामूली ना समझना। तो भाई ये तो अपना बरार का इलाका, कैसा गरीब गुरबा का इलाका है, लेकिन करने वाले चारों तरह से मेहनत करें, मकाती वाले, मदारिस वाले, बड़े बड़े मदरसे वाले, वो तक भी अब तो ये कर रहे हैं कि भाई नहीं, मकाती बहुत ज़रूरी, मकाती बहुत ज़रूरी, वो तो पहली चीज़ है वहाँ, नहीं तो तुम जो है ऊपर देख रहे मोगरे का लगा फूल और गुलाब का लगा फूल और ये लगा, तुम नीचे तो जेड़े सूख रहे, ऊपर पानी डालते जा रहे डालते, क्या होने वाला थोड़ी, वो सब मुरझा जाएगा। तो ये मकाती वाले, ये छोटे छोटे मोहल्लों में, गली में, मकानात पर कहाँ कहाँ मेहनत कर रहे, झोड़े को पानी डाल रहे हैं, वो है असल दिल के अंदर पेवस्त कर रहे अपना ईमान, यकीन, आखिरत, कबर, हशर, नजर, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की, औलिया अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह वालों की मोहब्बत, ये तो पता भी नहीं चलता, आप लोगों को लगता सीधे साधे, अरे काहे के बाबा वो तो असल मेन है वहाँ से, फिर जाके इनके इनके हाथ में जाते वो, फिर इनको संवारते वो, किसी को हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, ये बना, ये तो
लेकिन सबका इसके अंदर दखल है। वो जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं वो बहुत आलीशान है, कोई मामूली बात नहीं है। उस्ताद चाहे वो पढ़ाया और बाद में वो आगे बढ़कर वहाँ गया बाप रे कौन, तो बोले शेखुल हदीस। उस्ताद बेचारे वहीं पढ़ा, तो उस्ताद तो उस्ताद ही है, उनको ऐसा नहीं कि वो स्वाब नहीं मिलेगा। ये कितने भी शेखुल हदीस और अपने अतकिया क्या भी बन जाए, लेकिन वो जो चले लेकर उसको कलमा सिखा रहे, नमाज सिखा रहे, हाँ छोटी छोटी बातें सिखा रहे और अपने अली बाता वगैरह सब सिखा रहे, तो सिखाने में रहे उनकी ज़िंदगी जा रही, लेकिन अपने जो है जो ऊपर के जो है हजरात, तो वो तो बने बाद में, उनको स्वाब में कोई कमी नहीं होगी। अब मौलाना उमर साहब कहते थे भाई बाद में ज़माने में आएंगे तो उनको इतना सुन्नत अदा करेंगे, ये कहूँगा इतने स्वाब मिलेगा, इतने शहीदों का स्वाब मिलेगा, किसी का कौन सा शहीद अब के ज़माने, अरे क्या वो साहबा के ज़माने में उतना मिलेगा, लेकिन अरे वो जो उनको इनको मिलेगा बाद वालों को, तो उसमें कमी थोड़ी होंगी। वो तो रहबर बन गए हमारे लिए, उन्होंने रास्ता बता दिया हमारे लिए, तो अद्दाल खैर कफाइली, वो पीछे थोड़ी रहेंगे, उनको तो मिलेगी। ऐसे दोस्तों ना जाने कितने रोने वाले और कितने अपने दुआएं देने वाले और कितना थोड़ा थोड़ा कैसे भी कर करा कर आगे बढ़ाने वाले, और वो भी है कि जो माँ बाप चाहते तो किधर भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर कुछ भी हो नहीं रहे बाबा पहले जा तेरे दिल के अंदर उतार ले ये दौलत को, फिर दुनिया में कहीं भी उड़ते फिरना ना, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, कुछ भी बन, साइंसदान बन, हवाई जहाज में उड़ के रॉकेट में जा, तो चांद पे अलर्ट कर लेना, जमीन करता तो कर ही रहे लो, कुछ भी हो बाद में, लेकिन पहले तेरे दिल के अंदर उतार दे कि तू कहीं भी जाना इसमें कमी नहीं आना, बड़ा तो कितने बन जाए। तो ये तो ये आला दर्जे की मेहनत है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन सबका मजमू हर तरह तरह से किधर किधर से कैसे उनको कह नहीं सकता, वो तो अल्लाह के नज़दीक है, ये कौन बंदा कितना पसंदीदा है। तो दोस्तों ये माहौल नज़र आ रहा, वरना हमने भी दावत तबलीग में निकले और जब जमातों में जाते, सेम मुफ्ती साहब के गांव में भी गए थे ना, मुफ्ती रोसम जहाँ मदरसा है तो इतने से मटके रखे हुए नहीं अन कंजरे में गए, इनका शायद असल वतनी है और वतन है वो, तो जो गए मस्जिद में तो ये घुटनों के बराबर घास मस्जिद में, अरे बाप, फिर वो बब्बू के अब्बा आया नींदे खरन थोड़े करे, तो ये तो माहौल था। हम गुलजारपुरा हमारे पीपल का राजा इतना सा मटका रखा हुआ और इतना सा चंबू उसके ऊपर रखा, जा रहे वहाँ पर पेशाब कौन कोई तो डुबा भी रहा, चुबुक डुबुक कर रहा था, क्या पाकी हासिल हो रही, यानी बोलो अरे हमारे बंगला जो नमाज पढ़ तो गोबर से भी लिप देते थे उसके, बोलो बोलो गोबर से भी लिप, वो तो अच्छा है कि भाई रेत वेत रहती थी तो चलो उधर कर्म होता था, तो कैसे भी चल रही थी गाड़ी, कैसे भी नाम कुछ भी ना, अब देखो क्या नाम प्यारे प्यारे, अरे बाप नाम ही चल रहे इधारों को अबू बकर, कोई आयशा, कोई अबू हुरैरा, अरे बाप रे बाप, इधारों की भी तो बच्चों के तो क्या कहने, कोई उमर तो कोई अबू बकर तो कोई इलियास तो कोई यूसुफ तो कोई जकरिया तो कोई तलहा, और सारे नाम ऐसी अब तो हो रहे नहीं, तो पहले कैसे नाम थे वो भी सुन लो ना। तो हमारे कारी जहीर साहब थे, तो बोले हम पूछते खेल तेरा क्या नाम रे, तो पीरू, पीरू पेरू अलग है भाला, पीर क्यों, तो बोले पीर के दिन पैदा हुआ था तो पीरू रख दे मेरे माँ बाप ने, वो होगा चल रहा पीरू पीरू, अरे क्यों तेरा नाम क्या, बोले मंगलू, अरे क्यों मंगल के दिन पैदा हुआ, अरे और तेरा नाम क्या, बुद्धू, अरे तो क्या बुद्ध के दिन पैदा हुआ, और तेरा नाम क्या जुमरात है, तो जुमरात को पैदा हुआ, जुम्मा खां, जुम्मा भी नहीं जुम्मा खां, अरे कोई जुम्मा के दिन पैदा हुआ, बोले एक नाम बड़ा अजीब आया हमारे सामने, तेरा नाम क्या है, बोले बोले घसीटू, अरे ये घसीटू कहाँ से, बोले मैं निकल नहीं रहा था वहाँ के पड़े तो घसीट के निकाल, कुछ भी जुम्मा दादान मंगलू दादान बुद्धू दादान सब दादा ऐसे सब ऐसे चल रहे थे, वो तो अल्लाह का करम है कि देखो ये मकाती वरी मदारी सरी खान का है दावत व तबलीग और जो भी है मेहनत के मैदान दीन के शोबे, देखो कैसे काया पर का ये नज़र आते थे ऐसे, ये देखो इमाम है, अरे देखो कैसे फरिश्ते बैठे हो मत, और नहीं तो हमने देखा ना आँखों से आया दुल्ला 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 को, अरे तो पीछे दुम भी लगी हुई, अरे ये क्या हो गया, तो बोले मन्नत माने तुझको बंदर बनाएंगे, अरे बाप रे बाप, चौकड़िया मोकड़िया सिंडी भी लग गई, ये भी हो रहा बोला बोलो, और फिर उसका नाम कैसा रहेगा, ऐसा वही सोच रहेगा फिर उन्होंने, तू तू अजा ये बड़ा था, हम जानते मुफ्ती साहब भी जहाँ पढ़े ना रहने की, तो एक तो साहब का क्या लगा दी तुमने तजवीज़ तजवीज़, क्या पहले हमारे बाप दादा पढ़ते ही नहीं थे क्या, ये तजवीज़ कहाँ से आ गया, बोलो बोलो तजवीज़ के बगैर कुछ चलता क्या, अब गाड़ी चलने वाली नहीं, अब तो बच्चे बोलो क्यों अब पन्नू दादा ये क्या पढ़ लिए तुमने ऐसे,
बच्चा बच्चा बोल दे, अरे तो तजवीद को भी सुनने को तैयार नहीं, और कुछ और नाम रखते क्या आगे रे किधर से लाली में, ये बिदत ये भी वो मुफ्ती साहब सुनाते, वो इनका नकल कर रहा है, ये बिदत, अरे वाह अरे वाह कहाँ से आ गई है सब। तो मेरे दोस्त अजब हाल था, नाम कुछ कुछ माहौल कैसा, हम गश्त कर रहे हैं यहाँ अपने शेगांव में, तो अपने जो है शेगांव में गश्त कर, शेगांव का माहौल मालूम है, वहाँ से कहाँ कहाँ जाते लोग, नंगे पैर जाते, दूर दूर जाते, तो वो गड्ढा बनावन गोले खेल रहे लड़के अपने गोले खेल रहे, तो जो गोली जाने लगी ना उसके अंदर गड्ढे के, तो क्या बन रहा, अ चली 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 पंडरपुर चली। और हमारे बुजुर्ग बोलते मौलाना नहीं सब कोई रहता बकरा बकरी को बैठ जा रहा, कहाँ बोले मैं हज को जा रहा, तो ये तो बुजुर्ग ऐसे थे कि मैं हज को जा रहा, ये बोले पंडरपुर चली, तो माहौल ऐसे ही था। लेकिन देखो अल्लाह ने कैसी काया पलटी इतनी जल्दी, अल्लाह तो रोने वाले रोए, बहुत रोए, बहुत धोए, तो देखो अजब मामला के कितने इदारे और कितने करने वाले। बस बात वही है कि अल्लाह ताला की जो पसंद है दोस्तों वो क्या है कि अल्लाह के लिए करना, हाँ कड़वी भी कसीली सुनना, लोग तरह तरह की सुनाएंगे, करना भी सुनना भी ये बात है, कुछ भी कहे नहीं तो आदमी जमते नहीं फिर, तो आजीजी हो इखलास हो बराबर तब तो आदमी ठीक है, फिर वो तो कैसा भी कम पर इस पर उस पर चलते ही रहता बेचारों का गुजारा, करते करते आगे तरक्की भी देता। इसीलिए कहते थे मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, यूँ कहते थे कि भाई अगर ये बुजुर्गों की कोई शुरू की ज़िंदगी देखे तो कामयाब हो जाएगा। कैसे उन्होंने गुजारे, मौलाना इलिया साहब ने गुलर खाकर इफ्तारी भी की सहरी भी की गुलर पर, जो आपने जमाते फिरी ना यहाँ, हम खुद मुलाकात की ना उनसे कि तुम्हारे बरार में हम फिरे तो हमने तो चना बांध लेते थे, गुड़ रहता था कभी गुलर मिला तो गुलर, रतालू मिले तो रतालू उबाल लिए कर लिए खा लिए, और यूँ करके पैदल उन्होंने काम करे, कितनी जगह दी उन्होंने ऐसे, और बहुत फायदा उनको मालूम कि पिपलवा राजे में क्या माहौल है, मालीपुरा में क्या माहौल है, गुलजारपुरे का क्या माहौल है, बालापुर में कौन कौन हस्ती हैं, ऐसी कारगुजारी सुनाते थे वहाँ पर, अभी हयात भी बाजे बुजुर्ग उसमें से थे। तो दोस्तों ये पहले कहते थे हजरत मौलाना जकरिया साहब कि अगर इन बुजुर्गों की पहली ज़िंदगी देखा तो आदमी कहा तो बाद वाली देख लिया था, अरे वाह अरे ये मुफ्ती साहब देखो आप कार से कौन से आए, पहले तो मोबाइल लेने को तैयार नहीं थे, सड़ी भी कार उनकी जीप कार ले गए थे मुझे अक्कल कुआ उसमें बैठा कैसे भी गड़बड़ सड़बड़, अरे भाई क्यों बोलो हम कौन से, अरे मेहमान कैसे कैसे आएंगे, बम्बई के आएंगे, कहाँ के आएंगे, लंदन के आएंगे, तुम्हारी काय को नियत कर रहे, उनकी नियत से लो ना, उसमें अल्लाह ताला अपनों को भी करा लेते, तो वो कैसे जाएंगे ऐसी खटारा कार में, नहीं तो इनकी ऐसी चीज लो ना जरा जी क्या बोलते मालूम चली, अरे बुजुर्ग बैठे पीछे मेरे को ले गए बैठा के ला रहे वहाँ से लोहारा से मौली बाबा के गांव से, उनका बेटा बैठा था हमने उनके गांव से ला रहे, वो पानी था नाला मैं पीछे बैठा था, पीछे बैठा था, मैंने कहा जरा आगे निकल जाए मुफ्ती साहब तो जैसे मैं फिर बैठ जाऊँगा वो उसमें से पानी, मैं उतर गया मुफ्ती साहब तो ऐसे मगन कि वो आप कौन सा मदरसा खोलेंगे कितना बड़ा है क्या पता नहीं कौन से पढ़ाएंगे, आगे बढ़ गए और मुझे देखी भी नहीं मैं पीछे, अरे मुफ्ती साहब गए, और कब ख्याल में आ रहा मालूम जब अकोला पहुँच गए, अरे ये तो मौली साहब है बोलो, जब वहाँ पहुँच गया तो मेरे रिश्तेदार भी आए थे पूना के, वो कार वाले भाग दौड़ करे मुझे लाए बाबा, नहीं तो ये ऐसे मान, लेकिन फिक्र कर रहे थे बेचारे अल्लाह ने कहा से कहा पहुँचे, तो तब लिए उन्होंने वरना तो इनको अब देखेंगे वो तो मामला बिगड़ जाएगा, वो तो अव्वल को देखो कि कैसी मेहनत मुजाहदा की, क्या ये वो मदरसा नहीं था इनका कि जहाँ पर ये अपने जो है फोड़े आ रहे फुंसे आ रहे, क्यों बोले वो पतरे हैं गर्मी का ज़माना है, फिर अल्लाह ने दिलों में डाला लोगों के नहीं भाई करना चाहिए, धीरे धीरे बड़ा आप जाओ वाला देखो वाला कौन सा कहलाता बरार अजहरे अजहरे बरार कहलाता फिर। तो मेरे दोस्तों देखो ये दिन तो रहते हैं, वरना क्या होगा मालूम, एक आदमी गया मुरीद बनने के लिए, अब मुरीद बनेगा तो सारा करना पड़ता ना, जो भी बोले शेख तो जो देखा, एक तो मालिश कर रहा ये मौली अहमद लाट साहब इतने बड़े हजरत शेख की मालिश करते थे, यानी मैं बैठे पीछे देखो ना क्या क्या करते थे, तो मौलाना उमर साहब के सब जूतियाँ उठा रहे थूकदान उठा रहे होंगी उनके यहाँ थूकदान भी उनके मौजूद मौलाना उमर साहब की, तो ये सब करते रहे पहले, तो एक ने देखा अरे बाप रे कुछ मालिश कर रहा कोई पैर दबा रहा कोई कुछ कर रहा, तो देख रहे थे क्यों बोले क्या देखा, बोले हजरत मैं तो इस नीयत से आया था कि मुरीद बनूँ लेकिन मुझे तुम पीर बना दो। तो मेरे दोस्तों ये तो बेचारे इन पर मेहनत की जाती ये होता है सबका, झेलना पड़ता है रोना पड़ता है भूखा रहना पड़ता है प्यासी भी रहना पड़ते हैं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला फिर ये बाग उबहार दिखाते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए हम जमे रहे इखलास के साथ जमे रहे और अपने जो है बिल्कुल तवाज़ु के साथ जमे रहे, तो भाई सुनना है हाँ हम क्या हमारी हस्ती क्या कुछ भी नहीं,
तो दोस्तों बस मेरा बहुत होगा सुनाना, पीछे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे वो सुनाएंगे तुम्हारे बराबर, सही सही बात है बराबर। चलो मैं, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।